स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैट्स का टॉपिक टू, जिसमें हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटरनेस ऑफ डेटा, मतलब डेटा जो है कितना बिखरा हुआ है फ्रॉम द एवरेज, कितनी दूर जा रहा है. जैसे सपोज हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल में एक डॉट है, ये क्या हो गया? हमारा सेंटर हो गया. अब जितना डेटा जो है, सपोज इस डॉट पे जो है हमारा सेंटर है और इसमें हमारा होना चाहिए वैल्यू 50. अब होनी चाहिए 50. अब इस 50 से हम जितना दूर जाते जाएंगे, सपोज 60, 70, 80 या फिर 10, 20, तो ये बहुत ज्यादा जो है स्कैटरनेस होगी, मतलब हम एवरेज से उतनी ही ज्यादा दूर है. और जितना हम 50 के पास आते चलेंगे, इसका मतलब हमारा जो वेरिएशन है वो बहुत कम है. तो यहाँ पे डिस्पर्शन से हमें यही पता चलता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना सेंटर से दूर है. डिस्पर्शन इज ए मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम. If the value of items are same, अगर सारी की सारी value same हो जाएंगी, मतलब 50, 50, 50 ही हो जाएंगी, तो इसका मतलब there is no variation, कोई variation नहीं है, और dispersion की value क्या हो जाएगी? Zero हो जाएगी. More variation shows more dispersion. अब हमारे पास किस तरह से हम इस dispersion को calculate करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो method होते हैं, दो measures हैं dispersion के. और first measure है absolute measure और दूसरा measure आता है हमारे पास relative measure. एब्सोल्यूट मेजर का मतलब होता है कि जब हम जो वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन है उसको एक्चुअल यूनिट में दिखाते हैं, लाइक रुपीज में या फिर किलोग्राम, टन्स, वैल्यू पूरी फुल वैल्यू दिखाते हैं और उसके यूनिट में दिखाते हैं, तो उसको क्या जाता है? कहा जाता है एब्सोल्यूट मेजर. और रिलेटिव मेजर का क्या मतलब होता है? जब हम वैल्यू या डिस्पर्शन को जो है परसेंटेज में दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव मेजर. एब्सोल्यूट मेजर में कौन कौन से आते हैं? रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व. और रिलेटिव मेजर में आता है कोफिशियंट ऑफ रेंज, कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. अब देखिए, यहाँ पे कई बार यूजीसी नेट में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट मेजर के अंडर आता है और कौन सा रिलेटिव, या फिर तीन हमें एब्सोल्यूट से दे देंगे और एक रिलेटिव का दे देंगे और पूछेंगे कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर ऑड वन आउट, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं. तो हमें पूरा पता होना चाहिए. जो एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं उसमें कोफिशियंट नहीं आता, रिलेटिव मेजर के आगे कोफिशियंट लगता है. जैसे यहाँ पे देखिए, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, ये तो हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स हो गए. बट रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो यहाँ पे कोफिशिएंट वर्ड जो है वो साथ में लग जाता है. अब हमारे पास आता है एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स को हम कर लेते हैं. हम इसमें न्यूमेरिकल्स का पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स यूजीसी नेट में नहीं आ सकते, इसके बहुत लेंथी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए जहां पे पॉसिबल है वहां पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. अदरवाइज हम न्यूमेरिकल्स को नहीं, मेन थ्योरेटिकल पार्ट और इसके जो भी फॉर्मूलेज वगैरह है उनको अच्छी तरह से कर लेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज. रेंज हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर है और कोफिशियंट ऑफ रेंज जहां हो जाएगा वहां वो रिलेटिव मेजर हो जाएगा. तो सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर देख लेते हैं कि क्यों इसको एब्सोल्यूट कहा जाता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम, मतलब एक लार्जेस्ट वैल्यू होगी और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उन दोनों का डिफरेंस लो तो वो क्या बन जाएगा? रेंज. रेंज जो है सिंपलेस्ट मेजर है ऑफ डिस्पर्शन. रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम. अब देखिए एग्जांपल से देख लेते हैं. हमारे पास ये सीरीज दे रखी है 5, 15, 22, 20, 38, 75. अब लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है? 75. और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 5. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं. लार्जेस्ट 75 माइनस स्मॉलेस्ट 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 70. अब देखिए 70 जो है एग्जैक्ट वैल्यू थी, इसलिए कौन सा मेजर हो गया? एब्सोल्यूट मेजर हो गया. अब इसी तरह से हमारे पास आ जाता है इसका रिलेटिव मेजर, कोफिशियंट ऑफ रेंज. अब कोफिशियंट ऑफ रेंज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? और ये होती क्या है? कोफिशियंट ऑफ रेंज होती है रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है ये? रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम. टू एक्सट्रीम का मतलब एक हाईएस्ट वैल्यू और दूसरी लोएस्ट वैल्यू. कोफिशियंट ऑफ रेंज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम इनटू 100, क्योंकि इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज के फॉर्म में ये आ जाएगा. एग्जांपल
हमारे पास सीरीज गिवन है 5, 15, 20, 22, 38 and 75. लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 75 हो जाएगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 5. अब कोफिशियंट ऑफ रेंज किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ऊपर हमने क्या पढ़ा, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, लार्जेस्ट क्या हो जाएगी 75 और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी 5, और नीचे इन दोनों को प्लस कर देंगे इनटू 100. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 87.5. ये क्योंकि हमारे पास परसेंटेज में आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव मेजर. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. अपर क्वार्टाइल किसको कहा जाता है, Q3 को कहा जाता है, और लोअर क्वार्टाइल किसको कहा जाता है, Q1 को कहा जाता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि एब्सोल्यूट मेजर है, और क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं. अब देखिए दोनों में डिफरेंस है. इंटरक्वार्टाइल रेंज में हम क्या लेते हैं, सिर्फ अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस लेते हैं, बट जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल. मतलब ये सेम जो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज की, जब हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें कंफ्यूज करने के लिए, कि जैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला दे रखा होगा, उसमें डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, सिंपल Q3 माइनस Q1 भी होगा, तो हमें पता होना चाहिए अगर सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज की कहा गया है तो Q3 माइनस Q1, और जब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा गया है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. अब हमारे पास आता है कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. ये रिलेटिव मेजर होता है. अभी हमने पीछे कौन सा किया, सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता था, और उसमें जो है हमने क्या किया कि वो एब्सोल्यूट मेजर है, क्योंकि वहां पे वैल्यूफुल वैल्यू जो होती है वो यूनिट में दी जाती है. बट सेम जो हमारे पास कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, ये रिलेटिव मेजर है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और ये होता क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये रेशियो होती है. रेशियो किसकी होती है, डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय सम ऑफ Q3 प्लस Q1 इनटू 100. तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इनटू 100. अब हमारे पास आता है नेक्स्ट मेजर, मीन डेविएशन. मीन डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर है, और मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू. इसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन से भी और मीडियन से भी. हम जब भी मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो सिंबल्स को इग्नोर कर देते हैं. जैसे एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो यहाँ पे चाहे प्लस में आए वैल्यू चाहे माइनस में आए, सिंबल को इग्नोर करके हम प्लस में ही वैल्यू को लेंगे. अब यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा ब्रैकेट में मॉड का साइन आ जाएगा और एक्स माइनस मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एन. और मॉड का साइन का मतलब ये होता है कि हम सिंबल्स को इग्नोर कर देंगे, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, डी मॉड अपॉन एन. इसी तरह से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा. देखिए जब हमने मीडियन से कैलकुलेट किया तो एक्स में से किसको माइनस किया, मीन डेविएशन को, और जब मीन से कैलकुलेट करेंगे तो किसको माइनस करेंगे, एक्स बार को, मतलब अर्थमेटिक मीन को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई एन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी मॉड अपॉन एन. उसके बाद नेक्स्ट मेजर हमारे पास आता है कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन. इसको रिलेटिव मेजर कहा जाता है, और कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन अगर मीन से कैलकुलेट करना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया होगा उसको मीन से डिवाइड करके इनटू 100. और अगर कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम जब कैलकुलेट कर लेंगे उसको मीडियन से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे. अब नेक्स्ट मेजर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस. और ये ज्यादातर डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही किया जाता है, और सबसे बेस्ट मेजर भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही माना जाता है. और इसको फर्स्टली यूज किया किसके द्वारा किया गया था, कार्ल पियर्सन के द्वारा. इट इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. उसके बाद लो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो करता है कि हमारा जो है जो स्कैटरनेस ऑफ डेटा है वो बहुत कम है. इट मींस कि हमारे अप्रोचिंग द मीन ऑफ द सेट, मतलब जो भी वैल्यूज है वो ज्यादा से ज्यादा मीन के आसपास ही आ रही है, एवरेज के आसपास ही है. और अगर जितना हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही, मतलब स्प्रेड आउट अक्रॉस अ वाइडर रेंज, मतलब उतनी ही वैल्यू जो है वो एवरेज से दूर है या सेंटर से उतनी ही ज्यादा दूरी पे फैली हुई है.
स्टैंडर्ड डेविएशन इज वाइडली यूज्ड इन सैंपलिंग थ्योरी एंड टेस्ट सिग्निफिकेंट में इसको यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब जाता है कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार या सिग्मा अपॉन एक्स बार। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। जब हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम एल्जेब्रिक साइन जो भी होते हैं प्लस माइनस उनको इग्नोर कर देते हैं, और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो एल्जेब्रिक साइन जो होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। उसके बाद मीन डेविएशन जो है मीन मीडियन या मोड किसी से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिर्फ अर्थमेटिक मीन से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व जो है ग्राफिक मेथड है जिसको डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो लॉरेंज कर्व होता है इसमें ज्यादातर हम इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम या वेल्थ ऑफ अ सोसाइटी को मेजर करने के लिए कि कितना डिस्पर्शन है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरियंस। वेरियंस इज ऑल्सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और वेरियंस किस तरह से होता है, वेरियंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, वेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन, और इसको परसेंटेज में शो किया जाता है। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100, और इसको कार्ल पियर्सन ने डेवलप किया था। इट इज वाइडली यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होगा एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर में। एब्सोल्यूट मेजर जो है डिपेंडेंट होता है यूनिट ऑफ द वेरिएबल, मतलब हम 10 kg या 10 rupees या $10 इस तरह से, मतलब यहाँ पे जो यूनिट है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो होता है एब्सोल्यूट मेजर। बट रिलेटिव मेजर जो होता है यहाँ पे हम केजी डॉलर रुपीज इनको कंसीडर नहीं करते, हम सीधा परसेंटेज में दिखाते हैं 10%, 20%, तो ये हमारा होता है रिलेटिव मेजर। हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस आता है फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होंगे या दो वैल्यूज गिवन होगी तो हम एब्सोल्यूट मेजर को ज्यादा फोकस नहीं करते हैं या ज्यादा यूज नहीं करते हैं कंपैरिजन के लिए, हम रिलेटिव मेजर को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज में कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि परसेंटेज में 10%, 20%, तो इस तरह से कंपेयर करना ज्यादा ईजी होता है। थर्ड हमारा डिफरेंस आता है कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर difficult to compute and comprehend, क्योंकि absolute measure में exact हमें value होती है, तो वहाँ पे हमें comparison जो है calculate करना और समझना easy हो जाता है, but हमें अगर यही percentage में calculate करना किसी चीज को तो उसको समझना और calculate करना दिक्कत लगती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि absolute measure of dispersion जो है comparison के लिए अगर calculate करना और समझना हो तो ज़्यादा easy होता है, मगर compare करने के लिए हम ज़्यादातर use किसको करते हैं, वो relative measure को ही use करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हुए थे। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज, अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है नॉर्मल, जहां नॉर्मल होता है वहां पे मीन मीडियन एंड मोड एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यहां पे एक्स बार इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड हो जाता है। तो जब हमारा सिमेट्रिकल है तो यहां पे वेरिएशन ही नहीं होगी क्योंकि सबकी सब वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी, सेम होगी, तो यहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस क्या होगा, जीरो होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ है वो है गिवन द फॉलोइंग डेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन हमारे पास गिवन है, अर्थमेटिक गिवन है, अर्थमेटिक बार एक्स बार भी गिवन है, और वेरिएंस भी गिवन है 324। अब हमें कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इंटू 100। अब वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वेरिएंस किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस कितना दे रखा है, हमारे पास 324। अब 324 आ जाएगा अंडर रूट में और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सॉल्व करके अंडर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगी। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय एक्स बार हमारे पास गिवन है 180 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो हमारे पास ये जो सॉल्व करके आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 10%, तो इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा, आंसर बी जो कि 10 है।